अयोध्या केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच राम का नाम लिए बिना मुख्यमंत्री योगी का बड़ा बयान। जल्द ही यूपी को मिलने वाली है खुशखबरी। हम सब का विश्वास है कि भगवान राम की इसी शक्ति ने, मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में हम लोगों को बहुत अच्छी खुशखबरी भी सुनने को प्राप्त होगी। पेड़ काटने पर भड़के आदित्य ठाकरे, बोले तानाशाही करने वाले अफसरों को भेज दो पीओके। आरे कॉलोनी में पेड़ कटाई पर जताई नाराजगी। फिर दिग्विजय सिंह का विवादित बयान, बीजेपी और बजरंग दल पर लगाया आईएसआई से पैसा लेकर जासूसी करने का आरोप। कहा ऐसे लोग ना पढ़ाए राष्ट्रवाद का पाठ। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए रोज हमें राष्ट्रवाद का वे संदेश देते हैं, और ये कैसा राष्ट्रवाद है कि उन्हीं के लोग आईएसआई के लिए पैसा लेकर, उनसे पैसा लेकर भारत के लिए जासूसी करें। महज 60 सेकंड में लूट लिया बैंक। बिहार के मुजफ्फरपुर में 6 लुटेरे हथियार दिखाकर लूट ले गए 8 लाख रुपए। बैंक लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद। फेस्टिवल में जमकर झूमी बैडमिंटन चैंपियन। हैदराबाद में पीवी सिंधु ने महिलाओं के साथ किया डांस। सिर पर मटकी रखकर उत्सव में लिया हिस्सा।